नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूँ न्यूज़ स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे। और आज सुबह की खबर हम जानने वाले हैं पार्ट थ्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यहाँ पे 2017 से 20 सेशन वालों का एडमिट कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया उनके कॉलेज में। आप सभी अपने कॉलेज आज जाएंगे, अपना एडमिट कार्ड रिसीव करेंगे। एडमिट कार्ड पर कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज है। यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आया है, जैसे कि आपका नाम यहाँ पर दिखेगा, फादर्स नेम दिखेगा, ये सारी कॉमन चीज़ पहले भी दिखती थी। लेकिन इस बार नई चीज़ क्या है आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपका सिग्नेचर तो पहले भी दिखता था, आपका सेंटर नेम यहाँ पे दिखेगा, सेंटर कोड दिखेगा, कॉलेज कोड दिखेगा, उसके बाद आपका कॉलेज कौन सा है ये सारी चीज़ें लिखेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चेंजेस क्या लाई गई है कि आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो आपके एडमिट कार्ड पर दिख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि आप अगर 10th और 12th का पेपर दिए होंगे तो आपके एडमिट कार्ड पर आपके एग्जामिनेशन टाइमिंग, आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह लिखा हुआ दिखता था, तो वो सारी चीज़ें इस बार जो है बिहार अडॉप्ट कर चुकी है। और ये जो है एक नया चेंज है जो आपको देखने को मिलेगा आपके एडमिट कार्ड पर। यहाँ पे आपका फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ दिया रहेगा, आपका कोर्सेज कौन सा है ये सारी चीज़ें दी रहेंगी, एग्जामिनेशन कौन सा है। लेकिन एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है आपको नया है, सब्जेक्ट नेम आपका दिया रहेगा, पेपर कौन सा आपका होने वाला है ये दिया रहेगा। यहाँ पे पेपर नेम भी दिया हुआ है कि थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है, ये सारी चीज़ें दी रहेगी। खैर इस साल जो आपकी प्रैक्टिकल की पेपर नहीं हो रही है। नीचे में यहाँ पे आपको एग्जाम कंट्रोलर का साइन दिखेगा, बाकी इंस्ट्रक्शंस नीचे दी गई है कि एग्जाम सेंटर पे आपको पहुँचने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है। तो आज की हम अखबार की न्यूज़ देखने वाले हैं, तो आज प्रभात खबर में छपी हुई एक रिपोर्ट हम देखेंगे जिसमें कि ये कहा जा रहा है OMR शीट पर पार्ट थ्री की परीक्षा मूल्यांकन के हफ्ते भर में जो है आएगा रिजल्ट। इसमें ये दिया गया कि OMR शीट पर परीक्षा ली जाएगी। बहुत सारे बच्चों का सवाल ये भी था कि OMR शीट पर परीक्षाएं ली जा रही हैं तो क्या हमें आंसर OMR शीट पर करना होगा, इसके बारे में हम आगे पूरी डिटेल्स जानेंगे। दो खबरें जो आपको हेडलाइंस पर और दिखेंगी, कॉलेज की लापरवाही से जो फंसा था 500 छात्रों का एडमिट कार्ड, और यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई देगी कि परीक्षा विभाग ने एडमिट कार्ड का जो है वेरिफिकेशन कराया कॉलेज से। इसके बाद हम पूरा जो है खबर विस्तार से पढ़ते हैं। 2 दिसंबर से होने वाली पार्ट थ्री की परीक्षा जो है OMR शीट पर होगी, लेकिन परीक्षा का सिस्टम जो है पुराना ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक बात बता दूँ कि OMR शीट पर आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, आपकी OMR शीट पर सिर्फ आपको अपना नाम, रोल नंबर और कॉलेज का नेम भरने को वहाँ पर आपको दिखाई देगा। OMR शीट पर क्या करना होगा, आपका जो भी नाम होगा वहाँ पर आप घेरा लगाएंगे, आपका जो भी रोल नंबर होगा उस अंक पे घेरा लगाएंगे। आप अगर कभी OMR शीट फिल किए होंगे, वैसे एग्जामिनेशन दिए होंगे तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वीडियोस आप देख के जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी चूक होती है आपको OMR शीट भरने में तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आपका जब भी पार्ट थ्री का रिजल्ट आएगा उस टाइम आपका रिजल्ट या तो पेंडिंग शो हो रहा होगा और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने आंसर शीट के ऊपर जो फर्स्ट पेज आपका दिया होगा उस पर अपना रोल नंबर, नाम, कॉलेज नेम जो भी घेरा लगाएंगे वो सही सही लगाएंगे। वहाँ गलती अगर होती है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग जाने का जो है चांसेस बढ़ जाता है। जो यहाँ पे ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। और खबर हम यहाँ पे पढ़ते हैं, बिहार बीबी के परिषद नेतक मनोज कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर के बाद जो है कॉपियों का मूल्यांकन का जो है तारीख तय किया जाएगा। मूल्यांकन के एक हफ्ते बाद ही जो है छात्र अपना रिजल्ट जो है देख सकेंगे, यानी कि रिजल्ट को जारी किया जाएगा। पार्ट थ्री में इस बार जो है GS की परीक्षा नहीं ली जा रही है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जो है सभी केंद्र अध्यक्ष से जो है निर्देश उनको दिया गया है। जैसा कि उनको बताया कि परीक्षा केंद्र पर जो है अपने साथ जो है हर एक बच्चे जो है मास्क लेकर के आएंगे, सैनिटाइजर लेकर के आएंगे, अपनी पानी की बॉटल लेकर के आएंगे। उन्होंने बताया कि OMR शीट पर जो कोड होगी इसलिए परीक्षकों को जो है अलग से मार्क्स फाइल ले जाने की और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है इस बार, और मार्क्स फाइल को कंप्यूटर से स्कैन करके जो है रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। मार्क्स फाइल बोले तो आपके कॉपी पे ही बारकोड वगैरह जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, वहीं पे सारी चीज़ें होंगी तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें रिजल्ट जारी करने में नहीं आएगी। तो वहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, OMR शीट को सही से फिल करेंगे। बाकी न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। 500 छात्रों का जो नहीं हुआ था फॉर्म वेरीफाई, तो वो जो है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने जो है परीक्षा फॉर्म को वेरीफाई कराया। 6 फुट दूरी जो है आप सभी को बना करके रखनी है, ये सारी बातें बताई जाएंगी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप पहुंचेंगे। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, वहाँ पे स्क्रीनिंग वगैरह की व्यवस्था की गई है, और आप सब जो है अपना अपना मास्क, सैनिटाइजर वगैरह जो है वाटर बॉटल लेकर के जाएंगे वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे, और आप बाकी चीज़ें जो भी आप फिल करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा रिलैक्स मोड में करेंगे और सही सही भर के आएंगे। तो तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।